वो बुराश का जूस है, ये लेना पड़ेगा, ये शिकंजी दोबारा देना, और कुछ नहीं। ये अभी पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग, और अभी की दो तीन जगह बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या हो गया, रास्ते में सामान वामान रखे, अब चला चलते हैं थोड़ा सा खाना खाने। और आ चुके हैं अब हम GoPro पे, क्योंकि अपना फ़ोन गया है टूट, और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ़ोन गया टूट, उसका टूट गया भाई का, लेकिन ब्लॉगिंग बंद नहीं है, ब्लॉगिंग बंद नहीं है, ब्लॉगिंग फ़ोन भी दिखाऊंगा अभी टूटा हुआ। पहले ज़रा कुछ खा लेते हैं, मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज, बहुत तेज भूख लग रही है, और ये सब इनकी करामात है, ये सब इनकी वजह से हो रहा है जो हो रहा है, सब इनका वजह से सब टूटा, सब इनकी गलती है, बताऊंगा क्या गलती है बताऊंगा। फाइनली दोस्तों खाना वाना खा लिया, और केदारनाथ धाम में हमने जितने दर्शन कर सकते थे सब कर लिए। भैया जरा फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, ओह चलिए बाबा केदार को करते हैं जरा बाय बाय आज, और चलते हैं फिर वापस अपने स्थान की तरफ। हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं पहली पेड़ पे, दोस्तों पहुंच गए हैं अभी हम 4 किलोमीटर नीचे आपके केदारनाथ मंदिर से, वहां से ब्लॉग इतने शूट करा क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था, अभी मैंने ऋषि भाई का फ़ोन लिया अपने, दिखा दो यार फ़ोन, इसी से शूट करना चालू कर रहा हूँ, फ़ोन दिखा देते हैं अभी, फ़ोन दिखा दो, वहां पे भी डाल दिया तुमने ऊपर, फ़ोन गया टूट बिल्कुल, भाटिया जी दिख रहे हैं फोन में, मैं दिख रहा हूँ फोन में, भाटिया जी वो भी आधे, तो अभी यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, जरा थोड़ा थक गए यार, अभी जरा नींबू पानी बनवाया है, थोड़ी आगे चलेंगे और नींबू पानी का मज़ा लेते हुए आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा फोटो शूट वगैरह क्योंकि जाते वक्त नहीं कर पाए थे, थोड़ा अलग अलग हो गए थे जाते वक्त, अभी आते वक्त जब है तो आराम आराम से जा रहे हैं और आराम से चलेंगे, आगे का दिखाऊंगा कहाँ तक आज जम जाते हैं, जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक। हेलो लो भैया जी, वो अलग है ना, वो बुराश का जूस है, ये लेना पड़ेगा, ये शिकंजी। तो फाइनली गाइस अभी नीचे उतर चुके हैं हम केदारनाथ से, और आगे जाने की तैयारी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, अभी ये नहीं पता अभी हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ तक जाना है दिखाता रहूँगा। रात हो चुकी है पूरा, और गाड़ी चलाने में भी आ रहा पूरा मज़ा, क्योंकि अभी हम केदारनाथ से तकरीबन 8 किलोमीटर गौरीकुंड है ना, पाँच नहीं सोनप्रयाग, हाँ सोनप्रयाग से जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी वहाँ से 8 किलोमीटर अभी तकरीबन आगे आ चुके हैं, और आयुष वगैरह अभी सर हम ज़रा थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे क्योंकि थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, और अभी आगे जाना बहुत दूर है, और देखते हैं ज़रा कहाँ पर रुकेंगे, अगला स्टॉप जहाँ पे रुकेंगे दिखाऊंगा, और रास्ते में आ रहा है पूरा मज़ा देखना। अबे तू बैठेगा कहाँ गया, तू बैठेगा ना, बैठेगा भाई, बैठा के लेके जाए भाई, लेके जाए जल्दी जल्दी, चलो भैया। चलो फाइनली अपनी भी चलने की तैयारी है पूरी, फिर हम बाइक मोड़ते हैं, आओ भैया। तो चलने की तैयारी अपनी पूरी, अपने देवभूमि मोटोक्रॉस वाले भाई साहब और हमारे आयुष भाई दोनों अपनी गाड़ी निकाल चुके हैं, और भाई साहब अपने साथ जरा आगे हल्द्वानी तक जाने वाले हैं पूरा, अगर रास्ते में पूरा साथ रहा तो, नहीं तो आगे शायद हम आगे ऋषिकेश के लेकर जाएंगे, भाई आगे अपने हल्द्वानी के लेकर जाएंगे, रुद्रप्रयाग तक का रास्ता है, देखते हैं ज़रा। चलो से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे लक्ष्मी ढाबा है, वो यहाँ पे अभी श्रीनगर रह गए यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर, क्योंकि अभी सोच रहे हैं हम आगे शायद ऋषिकेश जाके थोड़ा सा स्टे करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं जो भी होगा, क्योंकि अभी वैसे भी सबकी आँखों में सुबह तक काशीपुरी है भाई, नहीं लगानी तो है लेकिन अभी सबकी आँखों में ज़रा नींद भरी पड़ी है, थोड़ी बात नहीं हम तो चाय पी लेंगे भाई, चाय पी लेंगे ऋषो ओलोक के ना ब्रो,
ये कहते कहते हम निकले जा रहे हैं और निकलते हैं अभी ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश भी तकरीबन 110 या 112 किलोमीटर रह गया, मुश्किल से 2-3 घंटे की राइड है। अभी एक बज चुका रात का और काशीपुर जाना आ रहा है, बहुत दूर है। सो फाइनली गाइस अपनी निकलने की तैयारी हो चुकी है, सब ने बैकअप पैक कर लिया है अपना और वो दोनों निकल चुके हैं। अभी अपनी दोनों की सिर्फ बाइक रह गई हैं और अपनी भी निकलने की तैयारी है, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। रात हो चुकी है, एक बज चुका है और मज़ा पूरा आ रहा है लेकिन बाइकिंग में, और क्योंकि अपना राइडर है तो अपना ये सब चीज़ें तो चलती हैं। चलो निकलते हैं और टाइम हो गया है 1:15 और अभी हम रुके थे लक्ष्मी ढाबा पर जो है श्रीनगर से पहले। तो अभी पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग और अभी की दो तीन जगह बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या हो गया, रास्ते में 3-4 अभी पुलिस वाले ने रोक लिया। एक्चुअली बात क्या है कि रात का टाइम है और भैया की गाड़ी जो है सब जानते हैं 900 cc है और 900 cc की गाड़ी जो आवाज़ करती है तो फिर करती है भाई सब, तो इस चक्कर में आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है। तो रास्ते में 3-4 बजे पुलिस वालों ने मैसेज हमें रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो समझाना पड़ा, ये है वो है सर ये है वो है, फिर कोई नहीं समझा समझो फिर छुट्टी भी। तो अब निकले हैं वापस हम ऋषिकेश की तरफ और ऋषिकेश अभी रह गए हैं अराउंड यहाँ से 3 किलोमीटर। उतर लो। सो फाइनली दोस्तों देखो रात के 3 बजे में कौन मिला। इस भाई का नाम है अपना भैरव और अभी पहुंच चुके हम देवप्रयाग, जैसे कि भी मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा जरा आँख में थोड़ी झपके उपके लग रही थी तो थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा मज़े भी ले रहे हैं, थोड़ा चाय वगैरह का भी ऑर्डर कर दिया, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलेंगे, क्योंकि अभी भी ऋषिकेश सड़क तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से और वो 70 किलोमीटर कवर करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। और आराम आराम से जाएंगे ऐसे मज़े लेके यार, पहले फर्स्ट स्टॉपेज बना लिया है ऋषिकेश का, ऋषिकेश के आगे फिर देखेंगे फिर कहाँ जाना है। जानने दे रहा है 1 सेकेंड, देखो भाई देखो क्या कर रहा है अभी ये भाई, उछाल रहा जरा बिस्कुट। ओ दोबारा चलना, दोबारा देना और कुछ नहीं, ये कलाबाजी भाई साहब जबरदस्त है। मैडो कैसे करके बैठ रहा है मेरे भाई, मैं इधर गिरता। चलो तो फाइनली दोस्तों अभी यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई है, भैया ने भी अपनी बाइक स्टार्ट कर ली है और अपने बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब निकल रहे हैं देवप्रयाग से और आगे निकलने की तैयारी है। अभी जरा अगला स्टॉपेज मारेंगे अपना ऋषिकेश और उम्मीद है कि 1 घंटे में लांबे के बिजली के लगा देंगे। टिल देन चलते हैं। गाड़ी में रिस्क नहीं ले सकते थे और अभी पहुंच चुके हैं तकरीबन हम आपके ऋषिकेश, अभी रुकते हैं और आगे का प्लान पूरा समझाता हूं, क्योंकि हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो यहाँ पे जो पेट्रोल रुकना मतलब पेट्रोल वगैरह थोड़ा यहाँ पे शायद मिलते नहीं थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से 1 से 1.5 घंटा मैंने तो भाई साहब वहीं पर चलते जानी मैं तो वहीं पर सो गया। तो सॉरी दोस्तों आपका जो हमारा ऋषिकेश रुकने का प्रोग्राम था वो थोड़ा कैंसिल हो चुका है और आज ऋषिकेश नहीं रुक पा रहे हैं, अब यहीं से हमें बाय बाय करना पड़ेगा परिवार से ऋषिकेश को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम ऋषिकेश नहीं रुक पाए हैं, आज हमें ऋषिकेश को भारी बार से बाय बाय करना पड़ेगा, डिसीजन नहीं लिया क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है हमें चलते हुए भी। तो ऋषिकेश तक का जो अपना रास्ता रहा ना बहुत अल्टीमेट रहा, जो ऑल वेदर रोड जो बनाई है ना गवर्नमेंट ने एकदम फर्स्ट क्लास अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा। मैं अभी जो लास्ट टाइम आया था अपना काशीपुर से ऊपर भतरोज खान और आपका गैरसैंड की तरफ से आया था और ये देखने चेकआउट करवाओ ओल्ड टायर पे, ये राम जी का झूला है और सही बता रहा हूँ ये जो रोड बनी है ना इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, पता नहीं चला रास्ते में कोई गड्ढा है या नहीं है और
बाकी तो कहने की इस जगह की ऋषिकेश योगा नगरी है। उल्टे हाथ पे आप देख रहे हो राम मंदिर, वो राम मंदिर क्या था, लक्ष्मण झूला और राम झूला, लक्ष्मण झूला पीछे रह चुका, राम झूला देख रहे हो आप। और घर जाने की खुशी में भैया हो गए हैं बिल्कुल दीवाने, घर पहुंचने वाले हैं अभी हम, 2 से 3 घंटे में ऋषिकेश पार कर चुके हैं अभी हम। बाबा सुबह का वेदर देख रहे हो, वाह अल्टीमेट, जैसे कहता ना, एक तो रोड इतनी ज़बरदस्त है और ऊपर से इतना खूबसूरत जो नज़ारा सामने से देखने को मिल रहा है। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी अपने घर काशीपुर, और पहुंच तो खैर अभी नहीं, पहुँचे थे हम कल, और नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लिटरली से बता रहा हूँ उठने तक का मन नहीं था और उठ भी नहीं पा रहा था, हालत से भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और कल तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा। आज अपने ब्लॉग को एंड करने के लिए हम आए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ब्लॉग अपना जो अपना वापसी का ब्लॉग तो वो भी पसंद आया, अगर इनफैक्ट आज का ब्लॉग ही नहीं अपनी सीरीज़ जो अपने केदारनाथ दिया था 2022 की, जितने भी इससे पहले 3 ब्लॉग आ चुके हैं आपको वो भी पसंद आए होंगे। अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। और अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स वगैरह क्वेश्चन आंसर के लिए आ रहे थे कि भैया वहाँ तक पहुँचने का क्या चार्ज है, क्या है वहाँ पर रहने का, क्या व्यवस्था है वहाँ पर खाने पीने की, तो उस रिगार्डिंग में अभी एक 5वीं जो वीडियो है वो भी अपनी सीरीज़ में बना के डालूंगा जरूर, अभी 1-2 दिन में जैसे मैं फ्री हो जाऊँगा।